हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आज अपन बात करेंगे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के बारे में, स्पेशली HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही है रिगार्डिंग कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, भैया क्या इनमें कुछ प्लेसमेंट वगैरह होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, क्या भैया यहाँ पे प्लेसमेंट होता है? क्या यहाँ पे कोई कंपनी जाती है? क्योंकि मेरे को वहाँ हमारे जो सीनियर्स है या फिर मेरा पड़ोसी या फिर मेरा भैया जो पहले पढ़ते थे, और उनका ये कहना है कि कोई भी कंपनी वगैरह कुछ नहीं आती। क्या ऐसा सच में है? क्या यहाँ पे कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता, स्पेशली PG के जो स्टूडेंट होते हैं जो कोर्सेज करते हैं MA एंड अदर, क्या उनका प्लेसमेंट होता है? क्या सारा एक्सीडेंट रहता है? इसके साथ ही एडमिशन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यार एडमिशन का ये सारा सीन है, अभी ऑलमोस्ट कोर्सेज की लिस्टें आ चुकी है, चाहे वो MSc हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BEd हो, चाहे वो बी फार्मा हो। हालांकि बी फार्मा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को ईमेल्स आए हैं आपके ईमेल आईडी पे। आप लोगों को जो है 25 नवंबर को ऑफलाइन बुलाया भी गया। जिन बच्चों को ईमेल आया है वो जरूर से जाए, जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। एंड जिन भी स्टूडेंट का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, वो जैसे ही ऑफलाइन राउंड स्टार्ट होता है जरूर से जा सकते हैं, जो भी आपका कट ऑफ वगैरह डिसाइड होता है। लेकिन आपको जो है लगातार इंडिविजुअल ईमेल आते जा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो आप लोगों को जो है अपना ईमेल आईडी का स्पैम फोल्डर लगातार चेक करते रहना है कि आपको कोई ईमेल तो नहीं आया अपडेट ईमेल यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके साथ यार कुछ अपन प्लेसमेंट कंपनीज की अगर मैं बात कर ले, तो यार जो मेन कैंपस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे जो है कुछ कंपनी जाती है, कुछ प्लेसमेंट कंपनी जो है वहाँ पे विजिट करती है। एंड जो एफिलेटेड कॉलेज होते हैं वो बच्चे जो है जनरली मेन कैंपस के अंदर ही आते हैं। एंड हालांकि जो भी ये नॉर्थ ईस्ट के GFTI एंड अदर है, इधर प्लेसमेंट का कोई सीनेरियो कुछ नहीं होता है। जो MA वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो BSc BEd वाले जो बच्चे होते हैं, उनका बेसिकली यही सारा सीन होता है कि उनको पढ़ के जो है स्पेशली जो बिहार एंड अदर जो कॉलेजेज होते हैं या प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं जानते। जो भी ये कॉलेजेज होते हैं BSc एंड जस्ट लाइक BSc एंड BBA एंड ये जो BA वगैरह कोर्सेज कराते हैं, यहाँ पे तो बच्चों को पता भी नहीं होता जनरली कि प्लेसमेंट होता क्या है। और ये लोग क्या करते हैं यार, परस्यूइंग द कोर्सेज स्पेशली राजस्थान हरियाणा एंड अदर चले जाते हैं, जहाँ पे ये लोग प्रिपरेशन करते हैं आर्मी की या फिर नेवी की, डिफेंस कोर्सेज की। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो है टीचर बनने की रीट, एंड आप लोग देख सकते हो जो खान सर के पास जो बच्चे रहते हैं वो यही बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो इन कॉलेजों के अंदर पढ़ाई करते हैं जनरली वही बच्चे रहते हैं जो BSc वगैरह करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि मेरे को UPSC वगैरह करना है, तो वो जो है फर्दर उनकी स्टडी वगैरह करने लगते हैं। इन बच्चों का जो है टेक फील्ड की ओर रुझान नहीं होता, इनके पास ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि इनके यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड नहीं करती। लेक ऑफ सम डिफिकल्टीज एंड कुछ इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, लेब वगैरह काम नहीं करते, प्रोफेसर एकदम दादा बन के रहते हैं राइट कि हम ही है सब कुछ, इतना प्रोजेक्ट करके लाओ, ये लिख के लाओ। उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या जीवन में इसका काम आएगा कि नहीं आ रहा। ठीक है, इस वीडियो को चाहे मुझे रिमूव करना पड़े, हो सकता है इस पर स्ट्राइक कर दे यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन दिस इज द रियलिटी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि क्या सारा सीन होता है। जनरली ये जो कॉलेजेज होते हैं, जो बच्चे होते हैं बेसिकली, वो कुछ जो करीम बच्चे होते हैं वो फाइनली UPSC वगैरह निकाल लेते हैं जाके, एंड कुछ बच्चों को मेन कैंपस प्रोग्राम प्लेसमेंट भी होता है। लेकिन जो जस्ट लाइक मैं किसी टारगेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली GFTI कॉलेजों की में यही होता है, स्पेशली चाहे वो बिहार झारखंड एंड जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है स्पेशली। यार अगर अपन देखें जैसे दिल्ली बेंगलोर हो गया एंड जो टॉप जो सिटीज है वहाँ पे क्या है, टेक फील्ड है, वहाँ पे जनरली जो प्लेसमेंट कंपनी जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, Adobe, जीसो या फिर आजकल ऑनलाइन बहुत सारे चल रहे हैं जैसे मेजाई एंड अदर, वो सारे लोग फेल रखे हैं। एंड स्टूडेंट का जो एनवायरनमेंट है, कल्चर है, वो वैसा हो रखा है, तो जो है काफ़ी ज़्यादा रुझान है। लेकिन जो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए, जहाँ पे जो है स्टूडेंट मतलब जस्ट लाइक कि अपने आप को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, कि भैया क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छी जॉब वगैरह मिलती नहीं है। और एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ यार, मेरे को अगर 12th पास करते ही हमें जो है माइक्रोसॉफ्ट Adobe जीसो उठा ले, तो मैं आपको यूट्यूब के लिए वीडियोज थोड़ी बनाऊंगा या फिर मैं घूमता थोड़ी करूँगा बाइक पे, हेलो दोस्तों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ राइट। लेकिन वो अब क्या कर सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए अच्छा भी हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए अच्छा ना हो, तो यार यही सारा सीन रहता है। तो जस्ट अपने जीवन में बस यही करो कि जीवन में अच्छा करना है और अपना एक लक्ष्य रखो, उसके लिए लगातार मेहनत करो, ठीक है, बस यही जीवन है। और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो। और हाँ, अभी यार मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग के कॉलेजों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट लगातार सीटें छोड़ते जा रहे हैं,
जिसके अंदर एक मैं भी आता हूँ, स्पेशली चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो लोकल कॉलेजेज हो। उसके अंदर क्या हो रहा है, या तो स्टूडेंट सेमेस्टर ब्रेक ले रहे हैं या फिर पूरी तरह से छोड़ रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं ड्यू टू व्हाट, स्टार्टअप। स्टार्टअप इज द बूम इन द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। आप लोग देख रहे होंगे हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई स्टार्टअप जो है एक यूनिकॉर्न बन रहा है। व्हाट इज यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न क्या होता है? स्टार्टअप भैया हमको भी करना है, लेकिन हमारे पास आइडिया है, लेकिन हम करें क्या उसका, हम उसको किसके पास लेकर जाएं, हमें कौन फंडिंग देगा, ये इन्वेस्टर क्या होता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, हमें तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, हमें कोई बताने वाला है ही नहीं, हम क्या करें आखिरकार, हम किसके पास जाएं, हमारे पास आइडिया है क्या, उस आइडिया पे काम किया जा सकता है क्या, वो आइडिया एक बिजनेस बन सकता है क्या, उस आइडिया से जो है हम इन्वेस्टिंग ले सकते हैं क्या, उससे फंडिंग हो सकती है, इन सब का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसको यार जरूर से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोग जो है 100 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो यार, ठीक है, एक यूट्यूबर की यही आपको दुआ मिलेगी, आपको अच्छा एडमिशन मिलेगा, इसलिए आप प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड आप लोगों में से कोई अगर वीडियो एडिटर या फिर ऑडियो एडिटर या फिर थंबनेल मेकर वगैरह हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, एडमिशन के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।